Hey guys, good morning. Welcome back. Another weekend and we are on the road again. तो आज हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर टू कलसा. It is in चिकमंगलूर district. तो वहाँ पे आज weekend है, Saturday. तो वहाँ जा रहे हैं 330 किलोमीटर्स हमारे घर से. और Google बता रहा है कि 6.5 घंटा लगना चाहिए. तो वहाँ चलते हैं. तो चलिए जर्नी शुरू करते हैं. बारिश हो रहा है बेंगलोर में. पूरे कर्नाटका और तमिलनाडु साइड में पूरा हैवी रेनफॉल हो रहा है. इवन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग भी दिया है कि ऑरेंज अलर्ट है, येलो अलर्ट है, हैवी रेन्स, सो बी केयरफुल. बट हम लोग ने पहले सोचा कि जाए ना जाए, फिर रात को देखा कि बारिश थोड़ी सी थम गई है और अभी भी नहीं हो रही है. तो हमने सोचा कि चलो लेट्स टेक अ ट्राई और निकल गए हैं. अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी हम लोग के आर पुरम एरिया में हैं और फिर निकलते हैं और फिर रास्ते में ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर पहुंचते हैं कलसा. Hey guys, good morning. So, मॉनसून में ड्राइव का मज़ा मैंने हमेशा बोला कि एक अलग ही होता है. और वैसे भी ये वाला मॉनसून बढ़िया मस्त पानी. तो देखते हैं कैसा होने वाला है वहाँ का वेदर. और ग्रीनरी तो लश होने वाली है. तो वही अपनी आँखें सेकने जा रहे हैं कि वो बढ़िया ग्रीन जो फॉरेस्ट है या वेजिटेशन है कलसा अराउंड का या चिकमंगलूर अराउंड का, इट्स वेरी गुड. कुद्रेमुख भी एक जगह है, मुल्यांगिरी भी है. सो देखेंगे, वी विल ट्राई टू कवर ऑल दोज थिंग्स. और कहते हैं कि यहाँ की जो ग्रास है उसका कलर, इट्स नॉट दैट नॉर्मल ग्रीन, ये फ्लोरेसेंट ग्रीन है, बहुत ही चमकता है, तो आँखों में बहुत ठंडक देता है. तो लेट्स सी इफ यू फाइंड द सेम देयर. सो अभी हम लोग ने ये देखिए, ये ऊपर वाला रोड जो है ये बेंगलोर पुणे हाईवे है और अभी हम लोग लेफ्ट लेंगे टुवर्ड्स हसन. सो टुमकुर से पहले ही है ये वाला कट. सो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने नोटिस दिया था कि ऑरेंज अलर्ट है कर्नाटका, मतलब बेंगलोर और कर्नाटका एरिया में. तो आप देख सकते हो कितना घना बादल है, लेकिन बीच बीच में सूरज देवता दर्शन दे रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. गुनगुनी धूप और ठंड ठंड का मौसम, तो बड़ा ही मज़ा आ रहा है. फुल ऑफ ग्रीनरी, रोड कंडीशन बहुत अच्छा है और इस रोड पे आपको बहुत सारे खाने पीने का ऑप्शंस मिल जाएगा. बहुत सारे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है, एम्पायर होटल भी है, फिर उडुपी कैफ़े है, तो बहुत सारे. तो लोग पूरा भीड़ लगी है सब जगह ब्रेकफास्ट के लिए. हम लोग अभी तो 9:15 हो रहा है. अभी भूख इतनी नहीं लग रही है. वैसे हम लोग का लंच भी, जहाँ हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर लंच हम लोग ने बोला है, सो दे विल प्रोवाइड अस लंच. तो देखते हैं अगर जल्दी पहुंच जाते हैं. वैसे गूगल तो बता रहा है कि 150 तक पहुंचेंगे. अभी तो देखते हैं, अगर भूख लग जाएगी तो कहीं खा लेंगे और वरना चलते चले जाएंगे. और मेरे पास भानुमति के पिटारा में थोड़े बहुत कुछ मुरमुरा कुरमुरा है, तो
आज तुम्हारा भानुमति का पिटारा नहीं है, भानुमति वाला बैग है। तो आप ग्रीनरी देख सकते हो कितना मस्त लग रहा है दोनों साइड, मतलब आंखों में शांति मिल रही है। अब वैसे हम लोग आज जहाँ जा रहे हैं कलसा में, तो बाइनाकाडू करके एक होमस्टे है, बाइनाकाडू होमस्टे, तो वहाँ जा रहे हैं। मैं तो पहली बार जा रही हूँ, तो गूगल में रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं एंड इट्स पेट फ्रेंडली प्रॉपर्टी। तो देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। दस बज गया है और घर से निकलते हो गया है 3 घंटा, तो सोच रहे हैं कि थोड़ा पेट पूजा कर ले। और सामने ए टू बी दिख गया, और ए टू बी का हमको चटनी बहुत अच्छा लगता है और मनीष को सांबर, तो हम यहाँ पे खाएंगे अधियार आनंद भवन। तो फर्स्ट काम है वॉशरूम ब्रेक और उसके बाद अंदर चलते हैं। पिक्सी तुम यहीं बैठो, तुम्हारे शीशे खोल दिए थोड़े थोड़े, आराम से, ठंडा ठंडा मौसम, तुम्हारे लिए कुछ लेके आते हैं। इडली खाओगी? हाँ मसाला वन दे रहा वन। ये तुम्हारी लगी है। सो ए टू बी का जो ये वाला चटनी है, इसका टेस्ट बहुत मस्त होता है, और इसको सांभर खट्टा वाला, सो इट्स वेरी गुड। हाउस द चटनी? बस चटनी के लिए ए टू बी का खाती है। और सांभर? सांभर भी अच्छा, बढ़िया वाली फिल्टर कॉफी। सो चलिए सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी स्टार्ट करते हैं। 30 मिनट्स हम लोग ने खाने पीने पे लगाया, ब्रेकफास्ट बढ़िया था, मस्त पेट भर गया है, टनाटन वाला मजा आ गया। हाँ, और अभी यहाँ से 153 किलोमीटर कलसा तक, मतलब रिजॉर्ट तक, और 3.5 घंटा दिखा रहा है, तो चलते हैं। रोड कंडीशन तो आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया है। ये बैंगलोर मैंगलोर वाला हाईवे है, सो ऑसम रोड्स। अभी तक तो सब ऑल गुड है, और पिक्सी भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है, सो उसको थोड़ा सा रॉयल कैनिन का दाना और थोड़े से बिस्किट्स दिए। तो स्ट्रेट मैंगलोर जाता है, वी विल लीव दिस हाईवे हियर, और हम लोग यहाँ से ले लेंगे राइट हैंड साइड टूवर्ड्स हसन बाईपास। सो हसन सिटी बाईपास करेंगे इधर से, और बेलूर होते हुए कलसा। सो अगर कोई लोग, आप लोग सकलेशपुर जा रहे हो या मैंगलोर जा रहे हो, ये स्ट्रेट रोड फॉलो कर सकते हो आप लोग, बट वी विल टेक अ राइट टर्न। वेलकम टू हसन सिटी। जैकेट लेनी है क्या? हाँ, हम लोग एक भी जैकेट नहीं लाए हैं। हम लोग को बताया वहाँ पर कि थोड़ा सा एक लाइट विंडशीटर या जैकेट रख लेना, ठंडक हो सकती है रात रात में। और सबसे बड़ी गुगली हम लोग के साथ ये हुई है कि पल्लवी मैडम जब रायबरेली हम लोग गए थे या फिर आसाम, तो पूरा बुरिया बिस्तर बांध के चली थी, मतलब हमारा एक पूरा फुल सूटकेस, सारे जैकेट्स, स्वेटर्स, विंडशीटर्स है ना, सब कुछ अंदर रख लिया इसने, और वो सारा रायबरेली में छोड़ आई। इसको लगा था वापस जाएंगे दिसंबर में, तो हम लोग भाई एक भी जैकेट नहीं है। तो अभी जो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट ट्रिप करने वाले हैं टूवर्ड्स आसाम, उसके लिए हम लोग को ख़रीदना पड़ेगा, सारा शॉपिंग करनी पड़ेगी। बट आज रात के लिए देखते हैं हसन में कोई शॉप मिले जहाँ पर जैकेट मिल जाए। झील कितनी बढ़िया लग रही है रे। हाँ।
पीछे एक शॉप है, वहाँ पे श्वेट शर्ट दिख रहा है तो मनीष के लिए श्वेट शर्ट देखते हैं। डबल एक्सेल है भैया, स्मॉल तो ट्रिपल एक्सेल लगेगा क्या? आ रहा है? नहीं टाइट है, उस शॉप में तो साइज नहीं मिला, तो अभी हम लोग विशाल मेगा मार्ट जा रहे हैं। यहाँ मिल जाएगा शायद। मिल गया? कहाँ भैया, हमारे साइज का तो यहाँ आइटम ही नहीं है। विशाल मेगा मार्ट हसन में हर चीज बस मीडियम स्मॉल, बहुत कम लार्ज थे। मतलब इतनी देर ढूंढा तो एक एक्सेल निकला, एक ये रेड वाला और एक फ्लोरोसेंट ग्रीन, और फ्लोरोसेंट ग्रीन वाइट के साथ कॉम्बिनेशन तो वो भी डिफेक्टिव, तो एक ही मिला हमने, चलो यही लगा लेते हैं। ठंडक ही तो बचानी है, कौन सा फैशन दिखाना है कि नहीं पिक्सी? सो हसन क्रॉस करने के बाद अभी खाली वाला रोड मिला है, सिटी क्रॉस कराए हैं और आप रोड्स देख सकते हो, डबल लेन है और ये अभी सिंगल रोड है और लुक्स लाइक यही कंटिन्यू करेगी अप टू कलसा। सो ये देखिए पहाड़ स्टार्ट हो गए हैं और यहाँ पे पूरा क्लाउड्स है, भरा हुआ है, फॉग है, तो लुक्स लाइक गोना बी अमेजिंग वेदर। मिस्टी वेदर में भुट्टा खाने का मज़ा ही कुछ और है, लेकिन हम नहीं खाएंगे। हम लोग भुट्टा नहीं खाएंगे, हम लोग बंटा पियेंगे। ये तो वो भी दे रही है, खाओगी ये? नहीं, रोबाब तेंगा। इतने मसालेदार, अब पीने मजा आ रहा है। ए मेरे लिए रखो, तुमने काम नहीं पियेंगे? तो मैं आधा पी लूंगी। वाओ लवली। येलो फूल ना बहुत सुंदर लग रहा है, और ये देखो क्या है, अदरक है। Are you sure? अरे हाँ अदरक, इधर अदरक बहुत होता है। तुम्हें याद नहीं है जो हम लोग मधिकेरी साइड में उधर कुट्टा जा रहे थे तो भी रास्ते में बहुत सारा बेच रहा था? ये बेलवर काफी अच्छा खासा बड़ा सिटी है, मतलब टाउन। बेलूर से कलासा तक 91 किलोमीटर, मतलब हमारे जो रिजॉर्ट हमने बुक किया वहाँ तक 91 किलोमीटर, और आप देख सकते हो रोड्स अभी सिंगल रोड है, लेकिन साइड साइड में इतनी ग्रीनरी है और ऊपर से बारिश हो रही है, तो बहुत ही सुहाना मौसम है। अभी बज रहा है 12:45 और गूगल बता रहा है कि और 2:10 लगेगा, सो मोस्ट प्रोबेबली बाई 3:00 वी शुड बी रीचिंग। वाओ क्या चाहिए, ये ही ब्यूटी देखने के लिए हम लोग ऐसे रोड पे रोड ट्रिप्स पे जाते हैं। ये सब देखिए, ये सब कॉफ़ी स्टेट है, कॉफ़ी प्लांटेशन, ये सब पूरा लाइन से इस तरफ भी है, इस तरफ भी है,
तो फुल ऑफ ग्रीनरी। आई होप आप एंजॉय कर रहे होंगे, आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं और हमारे वीडियो जरिए एंजॉय कर रहे होंगे। ताड़ी ताड़ी हाउ मच दे दिए टू। लास्ट टाइम हम लोग जब कन्याकुमारी जा रहे थे तो किसी एक वीडियो में हमने ऐसे ये वाला खाया था, लेकिन हमको थोड़ा सा बिटरनेस लगा, तो बहुत सब्सक्राइबर्स ने बोले कि इसका छिलका निकालना होता है, तो ये अभी आज निकाल के खाएंगे। उसका बिटरनेस चला गया पूरा, छिलका ही बिटर होता है। सो इस बार पाम फ्रूट खा के मज़ा आ गया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम लोग कन्याकुमारी ट्रिप में खाए थे तो हम लोग ने वो वाइट वाला छिलका नहीं हटाया था, जैसे शॉपकीपर ने दिया हम लोग मुंह पे घुसा लिए थे, फिर हम लोग को थोड़ा बिटर लगा। और फिर वीडियो देख के बहुत से सब्सक्राइबर्स ने हमको बोला था कि ऐसे नहीं खाया जाता है, उसका छिलका निकालना पड़ता है, तो इस बार हम लोग ने प्रॉपर वे में खाया और बहुत ही टेस्टी लगा, वी लाइक्ड इट। स्वीट, हल्का स्वीटनेस था और फुल ऑफ वाटर और बहुत बड़ा था पीस। दो बज गया है और अभी भी 40 किलोमीटर्स रह गया है। रोड्स थोड़े थोड़े ख़राब है, जैसे आप देख सकते हो थोड़े बहुत गड्ढे हैं जगह जगह पे, लेकिन ओवरऑल ये रोड अच्छी है आप देख सकते हो, और अभी भी 40 किलोमीटर्स रह गया है। एंड भूख तो लग गई है, आई होप कुछ अच्छा खाने को मिले, देखते हैं। लुक्स लाइक यहाँ पे मलनाड कुजीन यहाँ पे फेमस है, मतलब इस एरिया पे, तो मलनाड कुजीन ही मोस्ट प्रोबेबली दे विल सर्व अस। একফালে কফি প্লান্টেশ্যন আর এইটো সাইডে চক পুরা একদম চাহ বাগান, একদম অসমলে মনত পড়ে গৈছে চাহ বাগানবোর দেখি, কিন্তু এই পুরা পাহাড়ত এনেকে চাহ বাগান আছে, ইয়াতে কিমান ধুনিয়া লাগিছে। এইটো সাইডে এইবোৰ কফি প্লান্টেশ্যন এণ্ড দিছ ইজ টি গার্ডেন। ইয়ে নজারা দেখনে কে লিয়ে মই গাড়ি সে উতর আই, বারিশ হো রহা হ্যায় ধীরে থোড়া থোড়া, লেকিন ইয়াহাঁ এক ফোটো তো বনতি হ্যায়। मज़ा आ गया, यही मैं बोल रही थी असमीज़ लैंग्वेज में कि
पूरा असम जैसा फील आया, मतलब यहाँ पे वो टी गार्डन्स देख के, क्योंकि हमारे वहाँ रास्ते के साइड में ऐसी टी गार्डन्स होते हैं, तो बहुत मज़ा आया। पिक्सी देखिए, पिक्सी हंगरी? देखो सब पल्ली, पूरा कॉफी का पेड़ ऐसे लटका हुआ है। कॉफी तो तोड़ना है, एक दो तोड़ के ले जाओ घर में, सुखाओ, रोस्ट करो, एंड देन मेक दैट फिल्टर कॉफी। वैसे तो तुमको लास्ट टाइम नितिन ने दिया था ना कुट्टा में कॉफी, वो चल रही है अभी की? खत्म हो गई, चल रही है। अगर खत्म होने वाली है तो यहाँ से और ले सकते हैं फ्रेश यहाँ की। So Kalasa is straight. तो उडुपी यहाँ से 112 किलोमीटर है, ज्यादा दूर नहीं है। उडुपी बैंगलोर सब पास ही है। So this is another very good homestay, Thangali. Thangali is in Galigandi. This is a place. ये भी बहुत मस्त है। अगर पल्लवी तुम्हें चलना ऊपर, पूरा टी गार्डन से होके ऊपर पहुंचते हैं। So, पहुंचने वाले हैं अभी 7 किलोमीटर्स और 14 मिनट्स दिखा रहा है। तो वी आर इन कलसा नाउ। ये देखिए गाड़ी में दोनों तरफ उल्टी करते हुए आ रहे हैं, उसी लिए हम लोग जर्नी जब करते हैं हम लोग थोड़ा लाइट खाते हैं या फिर मतलब हल्का फुल्का खाते हैं। नहीं बात वो नहीं है, पहले इधर एक बच्चे ने किया लेफ्ट साइड, फिर अब उसके साथ कोई लड़की थी या माँ थी, उन्होंने किया दूसरे साइड से। हमको ये ड्राइवर कौन है ये समझ नहीं आ रहा कि रोक के भैया करवा लो, डेंजरस वे में तुम दोनों साइड बच्चे निकल रहे हैं, माँ निकल रही, उल्टी कर तुम चलते चले जा रहे हो। हमको समझ ही नहीं आ रही कहानी हो क्या रहा है। अरे कहीं रोक के करा लो यार अच्छे से। ये एरिया पता नहीं मुझे क्यों थोड़ा सा अरुणाचल में जो आलो है, आलोंग, वैसा जैसा फील आ रहा है। उसके रोड का जाते समय है ऐसे गाड़ियाँ साइड में लगी रहती है इस तरफ। ये वाला बहुत सारा देखा है मैंने, ये बड़ा बड़ा पता नहीं क्या बनाते हैं इसमें, राइस? हाँ होगा राइस के लिए। यहाँ से 2 किलोमीटर अंदर जाना है हमको हमारे होम स्टे के लिए बाइनाकाडू। कुद्रेमुख 17 किलोमीटर, भगवती नेचर कैंप 23। So finally we have reached our resort बाइनाकाडू। तो उन्होंने बोला कि पहले आप लंच कर लीजिए क्योंकि 3:30 हो गया है, तो we'll have our lunch first। Oh,
व्यू तो बहुत ही सुंदर है। ओह रिवर साइड, वेरी नाइस। ये भद्रा रिवर है। खाना हमने ले लिया और काफ़ी सारा आइटम है, ये मलनाड कुजीन में है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या क्या है। सो ये है मेरा प्लेट, तो इसमें ये देखिए, ये वाला जो है ये बीटर गॉर्ड चटनी है, करेला चटनी, ये चटनी पाउडर है, ये एक स्वीट है, स्वीट बर्फी, ये बैगन का भरता है, दिस इज़ गोभी मंचूरियन, आई हैव सम बिरयानी हियर, और फिर ये चिकन ड्राई, एंड दिस इज़ चिकन ग्रेवी, और ये चावल के आटे का रोटी है, अक्की रोटी। तो और भी रसम है, सांभर है, सब कुछ था, लेकिन मेरे प्लेट में जगह नहीं था। और मनीष ने वाइट राइस लिया है, तो विल एंजॉय। भयंकर भूख लगी थी और इतना बढ़िया खाना है, चिकन चावल राइस, ये भी ग्रेवी चिकन, अक्की रोटी, मस्त। हाँ हम लास्ट हैं और चिकन मिल जाए ना, हमारा दिन पूरा हो जाता है। तो मलनाड चिकन जो है यहाँ का, बहुत ही टेस्टी है। एक इन्होंने चिकन रोस्ट बनाया हुआ है ब्लैक पेपर वाला, और ये है करी। सो अगर आप लोग बैनागाडू आ रहे हो यहाँ पर, तो जो आपका एक दिन का स्टे है, इट्स 6500 फॉर अ कपल, वन रूम, प्लस आपका उसमें तीनों टाइम का खाना है, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, और साथ में इवनिंग स्नैक्स, शाम का कैंप फायर भी अलाउ उसमें है, इंक्लूडेड, तो आपको उस समय भी थोड़ा बहुत स्नैक्स दे देते हैं। इट्स ओवरऑल फुल बोर्ड मील एक तरीके से, अगर कुछ आपको स्पेशल एक्स्ट्रा चाहिए तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो बट ओवरऑल इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी, इट्स कॉल्ड होम स्टे, बट ये रिजॉर्ट से भी अच्छा है। मैंने तो सब कुछ ट्राई किया और बहुत टेस्टी है, वेज भी ट्राई किया, नॉन वेज भी खाया, बहुत अच्छा था। हम लोग मतलब लास्ट 3:30 हो गया है, तो हम लोग लास्ट है खाना, लेकिन बहुत टेस्टी है। ये कुछ तो बर्फी दिया है, टेस्टी है। सो ये है पिक्सी खाना। सो चेक इन करने का प्रोसेस, अभी आईडी कार्ड्स देना पड़ेगा, एक का देने से होगा कि दो का देना, एक मेरा दे देना। स्लो पिक्सी, क्या मस्त नज़ारा है बोले। सो हम लोग अभी रूम में पहुंच चुके हैं, और ये रूम हमारे कॉटेज के बाहर का व्यू, ये भद्रा नदी है जो फ्लो कर रहा है, ये थोड़ा सा खाली स्पेस है, और फिर ये हमारा रूम। इट्स अ 6-bed रूम, 6 sharing, तो 6 लोगों का ग्रुप, अगर लार्ज ग्रुप आ रहे हैं तो यहाँ रह सकते हैं। ये देखिए, एंटर करते ही यहाँ पे 1, 2, 3, सो 3 double bed है, इसमें 2-2 सो सकते हैं। टीवी है, वार्डरोब है, और यहाँ पे आरओ वाटर है, यहाँ पे एक छोटू सा मिरर है, और ये है बाथरूम एरिया। तो यहाँ पे एक टॉयलेट है, और घुसते ही इस तरफ और एक टॉयलेट है, बाथ है। तो 6 लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन सिंस हम लोग अभी 2 ही लोग हैं और पिक्सी, तो हम लोग को ये इन्होंने यही वाला रूम दिया है, सो गुड। तो रूम तो काफ़ी अच्छा है, इट्स अ होम स्टे प्रॉपर्टी,
काफ़ी अच्छा है, अच्छे मतलब लीनन साफ सुथरा है और 24 आवर्स गर्म पानी आता है, टॉयलेट्रीज रखे हैं और कंबल वगैरह सब रखा हुआ है, और क्या चाहिए। इवन एसी भी है, अगर गर्मियों के दिनों में आप आते हो तो एसी भी है, और ये बाहर का जो व्यू है एंड कॉफ़ी स्टेट के बगल में। तो ये देखिए, ये सब सब कॉफ़ी वाले प्लांट्स है, इसमें कॉफ़ी लगे भी हैं, और पिक्सी मस्त खुले एरिया में उसको हमने छोड़ दिया है और आराम से वो अभी टहल रही है। वैसे यहाँ पर देखो, इधर हम लोग नहाते थे, वो सामने गेट है। तुम आए हुए हो राइट? हाँ, पहले यहाँ पर आए। वो देखो, वो सामने गेट है, है ना, देख रहे हैं? हाँ हाँ करेक्ट। हाँ वो गेट ये वाला। और इधर से ये नदी क्रॉस करके हम लोग उधर जाते थे और वहाँ पर नहाते थे उस जगह लास्ट में। तो वहाँ पर थोड़ा शैलो है, बढ़िया। इधर भी पानी है, मतलब छाती तक आता है, लेकिन अभी देख रहे हो ना वहाँ पर बहाव देखो कितना तेज है। तो अभी बारिश हो रहा है, इस वजह से मना किया हुआ है, बंद कर रखा है सारा। तो ये है हम लोग का कॉटेज। तो इसमें दो रूम्स है, ये वाला रूम हम लोग का है, ये दूसरा है, पता नहीं कोई है कि नहीं है। एंड पिक्सी कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ, चलो इधर आओ। खुला छोड़ दिया, मतलब ये नहीं कि तुम कहीं भी चली जाओगी। ये देखिए कॉफी बीन्स एकदम लाल हो रखा है ये वाला। यहाँ भी एक रोड है, जा सकते हैं पिक्सी। नो ये देखिए, ये पके नहीं है, ये पक्के रेड हो जाएंगे। तो लंच अभी हैवी हो गया, तो अभी एक नींद तो मैं मार ही लेती हूँ, सुबह की उठी हुई हूँ। और तुम क्या करने वाले हो? हम भी एक नींद मारेंगे। ये तो हटा देते हैं, हम ही लोग हैं और कोई है ही नहीं यहाँ पर। सो ये अच्छा हो गया। ये वाला जो रूम है ये 6500 इंक्लूडिंग पेट चार्जेस, इंक्लूडिंग फूड। इंक्लूडिंग फूड में आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इवनिंग टी और कैंप फायर में स्नैक्स, तो ये सारा चीज़ इंक्लूडेड है। इवन पेट चार्जेस भी इंक्लूडेड है, तो बढ़िया है एक कपल के लिए 6500, इट्स अ गुड डील। तो चलिए अभी थोड़ा सोऊंगी, एक घंटा तो मैं फिर अभी पूरा सोऊंगी और उसके बाद कैंप फायर के लिए जाना है ऊपर। तो चलिए इस वीडियो को अभी यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि कैसा लगा आपको बैंगलोर टू कलासा का जर्नी। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पे आपको ये कैंप फायर में क्या होता है, फिर डिनर क्या करते हैं यहाँ का, और फिर कल क्या करते हैं कल का दिन। तो उसके लिए यू हैव टू वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो। तो चलिए, टिल देन स्टे सेफ एंड बाय बाय।